अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होगे। सो गाइज, आज का जो व्लॉग है ना, मतलब इस वीक का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी। और इस वीक जो जो होगा वो सब जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और रमज़ान भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो रमज़ान में तो शायद ही मैं शूट कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि शूट करूँ रमज़ान में, और जितना पॉसिबल होगा उतना करूँगी। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं अजीब हो रही थी, मैंने कहा चलो व्लॉग ही शूट कर लेती हूँ। तो या अभी जो है मैं बैठी हुई हूँ, सोच रही हूँ कि कुछ करूँ, लेकिन दिल भी नहीं चाह रहा, समझ नहीं आ रहा, तो मैंने कहा चलो व्लॉगिंग ही कर लेते हैं। अच्छा, जो अभी का व्लॉग है ना वो मैं स्टार्ट करूँगी अभी, और अब इसमें मैं ऐड करती रहूँगी जो भी वीक में मतलब मैं करूँगी पूरी एक्टिविटीज़, वो सारी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी वीडियो में। होपफुली आप इन्जॉय कर रहे होंगे मेरे व्लॉग्स को, और अगर आप इन्जॉय कर रहे हो तो लाइक कर दो मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो फ़ौरन से आपको मिल जाए। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने वीडियो पोस्ट कर दी, और आपको जाकर जल्दी से देखनी है। यार मेरे ना माथे पर ना बहुत गर्मी दाने निकल गए, तो जो है अब मैं क्या करूँगी ना, अपने फेस को ना आइस करूँगी। कहीं पर भी मैं जाती हूँ ना तो पहले अपने फेस को आइस कर लेती हूँ, ताकि जो है ना वैनिटी लाइट्स हैं, ये मुझे मेरी खाला ने गिफ्ट की थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, हमेशा से शौक था वैनिटी लाइट्स लगाऊं मैं अपनी वैनिटी पे, और उसके साथ ही कुछ एक्सेसरीज़ मिली थी। ये डबल साइडेड टेप था, और उसके साथ जो है ना ये भी थी, मतलब ये चिपकाने की होती है, लेकिन मुझे तो ये यूज़लेस लगी। अच्छा, इस तरह से लाइट्स थी, और इसके साथ जो ये केबल थी आपको इसको अटैच करना था, और आपको ये बहुत ज़्यादा केयरफुली लगानी होती है। पहले आप इसकी जो है ना जगह डिसाइड कर लो कि आप कहाँ कहाँ लगाओगे, फिर उसके हिसाब से जो है ना आप लगा लो। और फिर यहाँ पर जो है मैंने ये लगा ली थी, फिर इसके पीछे टेप लगाया था, सब कुछ मैंने देख कर लगाई। टेप बहुत अच्छा है, ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसने स्टिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं लगाती जा रही थी और टेप इसके ऊपर चिपकाती जा रही थी, और मैं पूरी वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि जो है हमारी लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने कहा यार बंद कर दो, लेकिन काफ़ी हद तक तो मैंने यूज़ वो कर लिया था। और ये बहुत प्यारी लगती है लग कर, तो ये कुछ इस तरह की लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी यार। और मेरी वैनिटी पर तो 4 चांद लगा दिए थे इसने, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। ये लाइट्स है ना इस तरह की, यहाँ पर मैंने ये लगाई थी, और इनके जो है ना 3 शेड्स हैं, येलो, वार्म और वाइट ना, इसके 3 ये शेड्स हैं।
ठीक है जी। और जो है आज जो है अभी मैं नहा कर जो है आ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, चेंज कर लिया है मैंने ड्रेस। और सो या सो गाइज, आप लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है मेरी तरफ से। अभी जो है ना रमज़ान में आज 7वां रोज़ा है माशाल्लाह से, और 7 रोज़े गुजर, मतलब आज 7वां है, 6 गुजर चुके हैं ऑलमोस्ट, 7वां भी अब असर की अजान हो गई है, तभी मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूंगी। इससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि जो है मैं काफ़ी टाइम से जो है कोई व्लॉग पोस्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि अभी रमज़ान स्टार्ट हुए हैं और एज़ यू नो कि मेरा फर्स्ट रमज़ान है इन माई ससुराल, तो मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। लेकिन मैंने सोचा कि आज कुछ एक्टिविटी भी ऐसे नहीं थी, मतलब बहुत लो फील कर रही थी मैं, ऐसी कुछ एक्टिविटी भी नहीं थी, तो आई थॉट कि आज जो है मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं, आपको बताऊं कि मैं क्यों व्लॉग पोस्ट नहीं कर रही। और या तो अच्छा जो है ना, मैंने कुछ मेकअप बाय किया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके अलावा आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ, काफ़ी टाइम से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तो आज मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। और मैंने उसके बेबीज़ के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लिए हैं। उससे पहले जो है मैं आपको अपना मेकअप दिखा दूँ जो मुझे आज पार्सल रिसीव हुआ है, वो मुझे जो है ये पार्सल रिसीव हुआ था कल। इसमें जो है मैंने ऑर्डर किया था सबसे पहले एक कॉम्पैक्ट पाउडर, ये जो है सुपर स्टे 24 आवर्स मेबलिन का है, विच इज़ वेरी नाइस। और इसको जो है मैंने नेचुरल बेज में जो है ख़रीदा है। उसके अलावा मेरे पर जो है मैंने एक एलिगल की जो है प्रो फाउंडेशन ली है, जो कि मुझे थोड़ी सी डार्क है, मैंने ये एक नेचुरल शेड मंगवाया था इसमें, लेकिन ये मुझे फिर भी डार्क है, इट्स ओके, मैं इसको कवर अप कर लूँगी। उसके अलावा जो है मैंने ये एक को नेचुरल का जो है रोज़ वाटर मंगवाया था, ये मुझे ऑलरेडी मेरे पास था, मैंने फिर भी मंगवा लिया। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक मेबलिन की क्रियॉन मंगवाया था, ये बहुत अच्छा है, मैं आपको इसका शेड दिखा दूँ, ये कुछ इस तरह का है, और ये नीचे से इस तरीके से आप इसको यूँ राउंड करते रहोगे, इस तरह से खुलेगा, ठीक है जी। उसके अलावा मैंने मंगवाया था एक प्रो कंसीलर, एलिगल प्रो कंसीलर, और उसके साथ एक ये मैंने प्रो कंसीलर ही मंगवाया था, इसका शेड मैंने मंगवाया है ब्राउन, ब्यूटीफुल ब्राउन्स, ये एक कॉन्टूरिंग के लिए मैंने मंगवाया है शेड। दो कंसीलर मेरे पास ऑलरेडी, एक और है, इसके अलावा मैंने ये एक और मंगवाया है। उसके अलावा जो है मैंने ये मंगवाया था रेवोल्यूशन का मेकअप रेवोल्यूशन लंदन का मैंने फाउंडेशन मंगवाया था, ये मुझे बहुत अच्छे प्राइजेस में तमाम प्रोडक्ट मिल गए हैं। इसका आप स्पैचुला देखें, ये काफ़ी मुझे यूनिक सा एक कॉन्सेप्ट लगा, ये बिल्कुल कंसीलर की पैकेजिंग में, बट इसकी बॉटल थोड़ी सी बड़ी है कंसीलर के मुकाबले में, इसकी बॉटल बड़ी है, और ये इसका एक कंसीलर मंगवाया था मैंने, ये तो मैं आपको पहले दिखा चुकी थी अपने व्लॉग में कंसीलर, ये मैंने कंसीलर कहीं और से मंगवाया और ये कहीं और से मंगवाया। अच्छा जी, तो मैं सबसे अच्छी बात आपको अब बताने जा रही हूँ कि rayna.tk, पता नहीं क्या बोलते हैं इस वेबसाइट को, मुझे कोई सही से प्रोनाउंस करना नहीं आता। ये यहाँ पे इसका बिल है मेरे आपके सामने, मैंने ये पेड किया है इस सब चीज़ों के लिए। अच्छा जी, तो ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गए थे, कि इनकी दिल पाकिस्तान सेल लगी थी 23 मार्च को, तब मैंने ये ऑर्डर किया था। जैसे कि मुझे ये एलिगल प्रो कंसीलर जो है 230 रुपीज़ में मिल गया, इसकी एक्चुअल प्राइस 700 रुपीज़ है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। आपको यहाँ पे इनका बारकोड मिलेगा, आप जो हो यहाँ पे जो हो कि स्कैन कर सकते हो, द हेल मक्की, इनको जो है आप स्कैन कर सकते हो। उसके बाद जो है मुझे इनका जो एलिगल प्रो फाउंडेशन है ये मुझे 540 रुपीज़ में मिला था, ये इनके पास 80% डिस्काउंट लगा हुआ था, बहुत अच्छा, इन्होंने भी यहाँ पे आपको बारकोड दिया है, ये भी आप स्कैन कर सकते हो। सारे जो प्रोडक्ट हैं वो ऑथेंटिक हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं इनका आपको इंस्टाग्राम
वगैरह जो है सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से जाकर ले सकते हो। उसके अलावा ये जो मुझे लिप क्रियॉन मिला है ये 346 रुपीस में मिला है, विच इज़ वेरी गुड डील। ये भी 700 के आसपास ही आपको मिलता है। और उसके बाद मेबेलिन न्यूयॉर्क सुपरस्टे पाउडर चाहिए, तो ये जो मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये 1700 और 1800 के आपको रेट में मिलता है। अगर आप इनके आउटलेट से लो या अगर आप किसी सेल में भी मिल रहे हो तो 1000 से कम का नहीं मिलता है ये आपको, लेकिन मुझे ये मिला है सिर्फ और सिर्फ 461 रुपीज़ में, 461 रुपीज़ में मुझे ये मिला है। उसके बाद आपका अल्लाह भला करे मेकअप रेवोल्यूशन का फाउंडेशन, वेयर इज़ मेकअप रेवोल्यूशन का फाउंडेशन, ओके, तो इसके जो प्राइस है ये भी जो है फाउंडेशन है मुझे मिला है 530 रुपीज़ में, बहुत ज़बरदस्त डील है। उसके बाद जो है मैंने मंगवाया था ये रोज़ वाटर, ये रोज़ वाटर जो है मुझे मिला था 79 रुपीज़ में, जो कि इसके एक्चुअल प्राइस 300 से अबव है। ये बहुत ज़बरदस्त इनकी सेल लगी थी और इनके पेज पर तमाम चीज़ें जो हैं ऑथेंटिक मिलती हैं, मैं कोई शाउट आउट नहीं दे रही इनको, बस मैं एक पर्सनली बता रही हूँ आपको एक वेबसाइट ऑथेंटिक जहाँ से आपको रिजनेबल प्राइस में और सेल्स में बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने 150 रुपीज़ है इसकी DC चार्जेस पे करी है और मेरा टोटल अमाउंट बना था 2336 रुपीज़, मेरा पूरा टोटल बिल बना था। तो या बहुत ऑथेंटिक इसकी वेबसाइट है raina.pk करके, मुझे सही प्रोनाउंस करना नहीं आता क्या लिखा हुआ है, रेना है राइना आई डोंट नो, बट मैं आपको इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाओ और चेक करो। कोई भी इवेंट्स वगैरह आते हैं या कोई बिग डे आता है तो इनके पास जो है ना सेल लगती है बहुत अच्छी सी। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बताती हूँ आज मैं क्या पहनने वाली हूँ, मैं एक येलो कलर की कुर्ती पहनने वाली हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये, इसका काम, इसका स्टफ, तमाम चीज़ें। और इसका ये नेवी ब्लू कलर का जो है ट्राउज़र है ये मैंने खुद स्टिच करवाया था, ये कुर्ती खास सेपरेटली ली थी मैंने। इसका नेक वगैरह आप देखें, इसकी स्टिचिंग बहुत ही प्रॉपर और फिनिशिंग से हुई हुई है, बहुत अच्छा है। मैं ये आज जो है ना वेयर करूँगी और मैं आपको गिफ्ट भी दिखाती हूँ जो मैंने अपनी फ्रेंड के बच्चों के लिए लिए हैं। सबसे पहले उसका एक बेटा है, उसके लिए जो है मैंने ये ब्लॉग से एक कार्ड ली है, बाकी उसकी एक बेटी है, उसके लिए मैंने जो है एक डॉल और एक ये बड़ा प्यारा सा जो है मेकअप वगैरह के टूल्स हैं इसके अंदर, काफ़ी अच्छा सा सारी चीज़ें, ये ब्रशेस वगैरह हैं, स्प्रे बॉटल, बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने उसके लिए ये ली है। वो बहुत छोटी है अभी लेकिन होपफुली बड़ी होकर इससे ज़रूर खेलेगी, तो मुझे बहुत प्रिटी लगे थे ये सारी चीज़ें तो मैंने ले ली थी। और ये ब्लॉग्स भी बहुत अच्छे हैं तो होपफुली ये उससे खेलेगा सलार। ठीक है जी, तो या अब जो है मैं के बाद अभी जो है मैं नमाज़ वगैरह से फ्री हो जाऊं, उसके बाद अफ्तार करने के बाद मैं फिर आपके साथ आपसे मिलूंगी अफ्तार के बाद। और अल्लाह हाफिज़।